हेलो दोस्तों नमस्कार मेरा नाम है सुशंकर तिवारी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर्स पेगेंस आज हम आए हैं एक बड़े ही कॉम्प्लिकेटेड uh, और बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे को बड़ा डिस्कस करने के लिए हैं जिस जो कि मेरे से कई बार पूछा जाता है कई सारे लोग मिलते हैं भाई लोग आप सभी लोग मिलते हैं तो पूछते हैं और कुछ जो चीज़ें हैं जो कॉमेंट में भी मेरे से पूछी जाती है पहली बात यह है कि जिनका रनिंग बन चुका है जो चार मिनट पंद्रह सेकंड के अंदर या चार मिनट तक जिनका क्वालिफ हो पा रहा है वो कर पा रहे हैं उनके मन में भी एक डर है वो कह रहे हैं मेरे से एक भाई मिले थे कल बोल रहे थे कि कहीं इंजरी ना हो जाए क्या करें हम क्या रेस्ट करें ग्राउंड में आने में उन्हें डर लग रहा है ऐसी बातें हैं तो आप जो भी लोग जिनका चार मिनट पंद्रह सेकेंड के अंदर आ रहा है तैयारी पूरी हो चुकी है उनके लिए बात करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए और कुछ ऐसे भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भाई लोग आप जिनका चार मिनट पंद्रह सेकंड से अधिक का समय आ रहा है उनके मन में भी एक डाउट है एक डर है तो इन डर को कैसे ओवरकम किया जाएगा दोनों ही बातों में हम समझाएंगे बात करेंगे इस मुद्दे पर तो डेफिनेटली आपको जरूर इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट आएगा ठीक है इसके अलावा पीटी जो रिज़ल्ट आए हैं उनसे हम क्या सीख रहे हैं इन चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे तो इन मुद्दों पर ऊपर डिस्कस करने से पहले मैं कुछ एक बात जो मेरे मन में आ रही है और शायद अगर आपने आई कोचिंग जो दृष्टि है दृष्टि आई कोचिंग उसके जो प्रमुख हैं विकास दिव्यकृति सर उनका एक इंटरव्यू था उसमें मैंने सुना था उन्होंने कहा था कि क्यों डरें कि जीवन में क्या होगा क्यों डरें कि जीवन में क्या होगा कुछ भी नहीं होगा तो तजुर्बा होगा जी बिल्कुल आपको इस बात का बिल्कुल भी डर नहीं होना चाहिए आपको इस बात का बिल्कुल भी टेंशन नहीं होना चाहिए कि जीवन में क्या होगा आप अभी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप क्वालिफाई होगे या नहीं होगे क्या इसका <coughs> सॉरी इसका टेंशन लेने से इसके बारे में ज़्यादा सोचने से आपकी तैयारी पूरी हो पाएगी क्या आप उसे हंड्रेड परसेंट दे पाएंगे तो यही मुद्दे हैं जिन्हें हमें डिस्कस करना है वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और बाकी आप सभी लोग देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि जो भी अपडेट है जो मैं कर सकता हूँ आपके लिए वो मैं अपना पूरा दे रहा हूँ जो चीज़ें जो मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है वो मैं आपके सामने यहाँ पे ला के रखता हूँ आप सभी लोगों के सामने आप सभी लोगों का प्यार भी मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है और ये खुशी और भी अच्छी खुशी हो जाएगी जब जो मेरा टारगेट है पंद्रह जनवरी जो कि आज से सिर्फ दो दिन बाकी है दस हजार सब्सक्राइबर पूरा करने का वो हो जाए तो ठीक है तो आप उस खुशी को जो मेरी है उसे और दुगना कर सकते हैं अगर आप ये मेरे टारगेट को अचीव कराने में मेरी हेल्प करें और बाकी आप सब लोग शेयर करते ही हैं अपने दोस्तों के साथ तो ऐसे ही शेयर करते रहिए तो चलिए मैं कुछ मुद्दे जो कि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस हैं उन चीज़ों को आपके साथ शेयर करूंगा और बताऊंगा कि कॉन्फिडेंट कैसे रहा जाए अपने अंदर आने वाले जो डर हैं उनको ख़त्म कैसे किया जाए ठीक है इस बात पे हम बात करेंगे तो देखिए उसके लिए मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ ये सब चीज़ें आती कहाँ से हैं तो देखिए ये आप देख लीजिए ये है मेरी डायरी और इस डायरी में मैंने यहाँ पे कुछ लाइनें लिखी हैं और ये मेरी डायरी का पहला पेज है पेज नंबर हालांकि चार लिखा है लेकिन ये इसके पहले कुछ भी नहीं लिखा हुआ है ठीक है ये मेरा पहला पेज है और इस पहले पेज पर ही मैंने क्या लिखा है मुकाम वो चाहिए कि जिस दिन भी हारूँ जीतने वाले से ज्यादा चर्चे हो मेरी हार के मुकाम वो चाहिए कि जिस दिन भी हारूँ जीतने वाले से ज्यादा चर्चे हो मेरी हार के सिंपल सा मतलब है कि आपको उस मुकाम तक पहुंचना है उस मुकाम तक पहुंचना है वो मुकाम हासिल करनी है कि जब आप हारो तो लोग इस बात का डिस्कशन करें कि ये बंदा कैसे हार गया ये तो पॉसिबल ही नहीं था ये तो असंभव था ये कैसे हो सकता है तो आपके अंदर इस तरह की एक मोटिवेशन होना चाहिए अपने आप को आगे बढ़ाने का और ऐसा क्यों है ऐसा किस लिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि देखिए जो भी आप आज हासिल करने वाले हो या फिर जो भी आपके जीवन में हासिल होगा या फिर आज इसके पहले जो भी चीज़ आपने हासिल की है उसके लिए कहीं ना कहीं आपके मन में या फिर आपके डेली लाइफ में तैयारी काफ़ी समय से पहले से ही चल रही होती है और तभी जा के वो चीज़ें आप हासिल कर पाते हो अचानक से आपके जीवन में कुछ भी नहीं होता उसकी तैयारी बहुत पहले से शुरू हो चुकी होती है वो होना ही होता है और आप धीरे धीरे उसके प्रति आकर्षित होते जाते हो बस ध्यान ये रखना है कि हमारे मन की रुचि हमारा इंटरेस्ट हम क्या चाहते हैं क्या सोचते हैं और किस दिशा में हम बढ़ रहे हैं उस पर आप ध्यान दें अगर आप उन बातों पर ध्यान दें और गौर से अपने आप को समझने की कोशिश करेंगे तो आप की जो तैयारी है वो और भी तेज़ी से आगे की तरफ़ बढ़ेगी और आप अगर उन चीज़ों को इग्नोर करते जाएंगे इग्नोर करते जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप की जो तैयारी आपको जो अचीवमेंट कुछ दिनों में मिलने वाले थे वो कई सालों में मिलेंगे एक लंबा वक्त बीत जाएगा और हो सकता है वो आपको मिले भी ना तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे आप आपकी पीटी है तो मैं अगर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं तो मैंने अपने लाइफ में देखा है या फिर आपने भी सब सम... आपके साथ भी हुआ होगा ऐसा कि आप जो अभी ग्रुप डी का एग्ज़ाम आप क्वालिफाई किए हो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इसमें नाइन्टी परसेंट ऐसे लोग हैं जो पहले से ही ग्रुप डी की प्रिपरेशन नहीं कर रहे थे 2019 में जब आपने फॉर्म भरा था तो बस रेलवे का एग्ज़ाम क्या पर, मतलब फॉर्म आया था और आपने भरा था और उस टाइम पर आपने आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे एस की कर रहे थे सी की कर रहे थे सी की कर रहे थे या फिर उससे भी हायर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे थे और उस प्रिपरेशन का फ़ायदा आपको ग्रुप डी के एग्ज़ाम में मिला बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो एन की तैयारी कर रहे थे और उन्होंने ग्रुप डी का भी पेपर दिया और उसमें उसको फ़ायदा मिला बहुत ही कम ऐसे छात्र थे जो सिर्फ़ और सिर्फ ग्रुप डी के लिए ही प्रिपरेशन कर रहे थे तो इसका क्या मतलब है कि आपका जब टारगेट हाई होता है आपका जब सोच ऊंची होती है तो नीचे की चीज़ें अपने आप ही आपको मिल जाती हैं जैसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो एन में क्वालिफाइड हैं और यहाँ भी क्वालिफाइड हैं बस इंतज़ार है कि एन का अभी तक रिजल्ट नहीं आया इसलिए वो भी यहाँ पर पी देंगे तो क्योंकि मैंने खुद भी बता रहा हूँ मैंने भी सिर्फ़ और सिर्फ एन का ही प्रिपरेशन किया था उसके पहले मैंने एस एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन किए थे मैंने अलग से ग्रुप डी का कोई प्रिपरेशन नहीं किया बस मैंने ग्रुप डी के सॉल्व जो प्रैक्टिस सेट्स होते हैं वो मैंने सॉल्व किया और फाइनली मेरा रिजल्ट आया और आप लोगों के साथ भी बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ हुआ होगा तो कहीं ना कहीं जो आपकी तैयारियां पहले से चल रही होती हैं वही आपको आगे बढ़ाती हैं वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें मैं डिस्कशन करने वाला हूँ तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा देखिए जो चीज़ें हैं ना वो डिस्कसन करने से लोगों से बात करने से अपने अनुभवों को शेयर करने से आपके अंदर और भी ज़्यादा चीज़ें सीखने का समझने का एक अनुभव प्राप्त होता है तो जितना ज़्यादा आप एक्सपीरियंस्ड होंगे जितने चीज़ों के साथ आप प्रैक्टिकल होंगे जितने लोगों से आप मिलेंगे उतना ही ज़्यादा आपके अंदर एक्सपीरियंस आएगा आपको समझ बढ़ेगी और आप एक अच्छा आ, एक मतलब जैसे कि एक वीडियो में एक भाई ने कमेंट किया था कि आप मल्टी टैलेंटेड हो मेरे वीडियो में वर्ल्ड करके कुछ उनका यूट्यूब चैनल है उन्होंने किया था क्योंकि उन्होंने मेरी टाइपिंग भी देखी थी मैंने एस का जब प्रिपरेशन कर रहा था तो मेरी टाइपिंग फोर्टी थ्री वर्ड पर मिनट की बनी है आज भी मैं करता ही हूँ मेरी टाइपिंग का कोई अभी टेस्ट नहीं है फिर भी मेरा मन करता है कभी कभी तो कर लेता हूँ ये होती हॉबी और देखो एस एस सी एग्ज़ाम में मैंने टाइपिंग भी क्वालिफाई किया है और दो तीन बार किया है बट क्या टाइपिंग की प्रिपरेशन मैं जब मेरा एग्ज़ाम आया तब मैं कर रहा था नहीं मेरे अंदर मतलब एक था अंदर से कंप्यूटर को लेकर के टाइपिंग को लेकर के मैं जब टेंथ क्लास में था तभी से मुझे कंप्यूटर में टाइपिंग करना मुझे पसंद था और तब से मैंने टाइपिंग करना शुरू कर दिया था और कहीं कोचिंग नहीं ज्वाइन किया बस अपने से ही करता रहा तो ये बहुत बड़ा टास्क तो नहीं होता है टाइपिंग सीखना या फिर करना इजी टास्क होता है लेकिन कुछ लोग इसे टारगेट लेकर के करते हैं और कुछ लोग की ये हॉबी होती है तो मेरी भी एक हॉबी थी और मैंने किया और एग्ज़ाम में कई बार एग्ज़ाम मैंने टाइपिंग के दिए और उसमें क्वालिफ़ाई हुआ इवन दैट जो एन का जो एग्ज़ाम था जिसमें टाइपिंग मांगा था उसमें भी मैंने दिया और मैं बहुत आसानी से टाइपिंग क्वालिफ़ाई भी कर गया ठीक है तो एन में मेरा भी रिजल्ट है हालांकि अभी फर्स्ट लिस्ट में नहीं आया था ना आप सेकेंड लिस्ट में आ जाए आप लोग कृपा से तो बहुत ही अच्छा होगा दूसरी बात जो रनिंग की है बात बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं मुझे कि आप बहुत पहले से प्रिपरेशन कर रहे होंगे इसीलिए आपकी टाइमिंग ठीक ठाक आ ठीक आ जा रही है मतलब चार मिनट के अंदर आ जा रही है चार मिनट तक आ जा रही है तो देखिए बात यही है अगर मैं कहूं कि फ़िज़िकली प्रिपेयर्ड होने के लिए तो मेरी तैयारी जो है ना बहुत पहले से है कहीं ना कहीं आ, हमारे घर का इस तरीके का माहौल था जिसकी वजह से हम रोज़ाना सुबह निकल जाते थे मॉर्निंग वॉक पे बहुत ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत ही जो मन एक्सरसाइज की किए की रनिंग किए काफ़ी सारे प्रिपरेशन हम पहले से ही कर रहे थे लेकिन कभी मन में ये टारगेट नहीं था कि ग्रुप डी का एक दिन एग्ज़ाम निकलेगा और ग्रुप डी के लिए हम तैयारी करेंगे ये कभी मैंने सोचा भी नहीं था बट मेरा एग्ज़ाम निकला फॉर्म भरा ही था तो अब जब मैं तैयारी कर रहा हूँ या फिर मैं रनिंग कर रहा हूँ तो मुझे बड़े आसानी से मैंने इस टारगेट को कंप्लीट कर लिया तो इसीलिए मैंने जो पहली लाइन बोली बोली थी कि क्या क्या क्यों डरें कि जीवन में क्या होगा कुछ भी नहीं होगा तो तजुर्बा होगा और मे भी वही तजुर्बा मुझे आज फायदा दे रही है ठीक है तो इन्हीं चीजों के ऊपर मैं बताने वाला था इसलिए आप डरिए मत बिल्कुल भी आपका पीटी जिस डेट में है उसको बस इस इस सोच के साथ जाइए कि आप उसे क्वालिफाई कर लेंगे आप जरूर क्वालिफाई कर लेंगे वो जो डर आपके मन में है जिनके रनिंग बन चुकी है जो सोच रहे हैं कि कहीं इंजर्ड हो जाएंगे तो क्या होगा देखिए इंजरी से आपको अपनी सुरक्षा करने के लिए ये नहीं करना है कि आप घर के अंदर बैठ के रह जाओ आप ग्राउंड ही नहीं जाओ इंजरी से बचने के लिए आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है केयरफुल इन सेंस कि जब आप रनिंग करो तो अगर आपका ग्राउंड ठीक ठाक है प्लेन है तो कोई बात ही नहीं है आप आराम से रनिंग कर सकते हो अपने जो स्टेप्स हैं उनको ऊपर ध्यान रखिए कहीं टेढ़े मेढ़े ना पड़ जाएँ जिसकी वजह से आपको मोच आ सकती है लेकिन जिस ग्राउंड में कुछ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गाँव में तैयारी कर रहे हैं खेतों में तैयारी कर रहे हैं है ना तो वहाँ पर अगर ग्राउंड आपका ठीक नहीं है उसमें गड्ढे गुड्ढे हैं तो थोड़ा सा आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा इस वजह से आपको बस हम इतना ही सजेस्ट करेंगे कि आप अपनी जो आपकी प्रिपरेशन है ना उसको आप स्टॉप मत करिए आप उसे कंटिन्यू रखिए डेली ग्राउंड जाइए अगर आपको मन करता है कभी ऐसा लगता है कि मुझे रेस्ट करने की ज़रूरत है तो आप रेस्ट डेफिनेटली करिए बट आपकी प्रिपरेशन ख... स्टॉप नहीं होनी चाहिए आप केयरफुली जाइए और वहाँ पे प्रैक्टिस करिए आराम से ठीक है चीज़ों को जो भी मैंने बताया कि गड्ढे गुड्ढे ध्यान में रखिए पैरों की लैंडिंग सही तरीके से करिए मोच वगैरह से बचा के रखिए अपने आप को बस इतना ही ध्यान में रखना है आप अगर प्रैक्टिस छोड़ दोगे ना तो वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा और आप कहीं ना कहीं आपके अंदर एक डिमोटिवेशन भी हो सकता है तो रनिंग जिनकी तैयार है बिल्कुल अच्छी बात है आपकी रनिंग तैयार है और आप कर सकते हैं और ये इस मोटिवेशन के साथ आप डेली अपने आप को एक्सरसाइज करते रहिए बाकी जो वो लोग जो रनिंग अभी चार पंद्रह से कम नहीं हो रहा है उनको मैं बता देना चाहता हूं और यही सीख है कि जो पीटी का जो रिज़ल्ट आया है उसमें काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट जिनका इंटरव्यू हुआ मैंने भी देखा उन्होंने बताया कि उनकी टाइमिंग चार पाँच आ रही थी चार दस चार पंद्रह और कुछ ऐसे भी हैं चार बीस आ रही थी लेकिन उनका टाइमिंग जब एक्चुअल में जब वो दौड़ने गए हैं तो पाँच से दस सेकेंड तक कम हुआ है डेफिनेटली एक स्टूडेंट थे जिनसे मैंने उनका मैंने इंटरव्यू देखा उन्होंने कहा था कि उनकी टाइमिंग चार दस आ रही थी लेकिन उन्होंने चार मिनट के अंदर कंप्लीट कर लिया तो कहीं ना कहीं आपको डरने की ज़रूरत नहीं है अगर आपका चार बीस भी आ रहा है चार बाईस भी आ रहा है तो भी आप उस दिन पूरा कर लोगे जिनका समय जिनका टाइमिंग चार बीस से अधिक लग रहा है चार तीस आ रहा है कुछ लोग पाँच भी आ रहा है तो देखिए एक होता है ना उसके लिए मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ और वो भी मेरी डायरी में दूसरे लाइन पे लिखी है दूसरे लाइन पे आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर ये मैंने पहली लाइन पढ़ी थी और ये मेरा दूसरा जो मैंने इंग्लिश में यहाँ लिख के रखा हुआ है आप इसे देख सकते हैं ये मैंने लिखा है अ डिजायर चेंज नथिंग अ डिसीजन चेंज समथिंग बट अ डिटर्मिनेशन चेंज एवरीथिंग और ये मैंने आज नहीं लिखा है भाई मेरी बहुत पुरानी डायरी है ये और हमेशा लिखता रहता हूँ इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं लिखता रहता हूँ मोटिवेशन थाट आइडियाज ये देखिए पेपर की कटिंग है टाइम्स ऑफ इंडिया जब मैं पढ़ता था तो काफ़ी सारी इम्पोर्टेंट जो चीज़ें जो मेरी लाइफ में हैं उन चीज़ों को मैं लिखता हूँ और इसमें से एक चैप्टर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ और इसके ऊपर मैं बाद में बताऊँगा बाद में कभी वीडियो बनाऊँगा उसके ऊपर डिस्कसन करूँगा और ये चैप्टर मेरी लाइफ को बदलने वाला चैप्टर है जिसको मैंने लिखा है अगर मैं इसको बताऊंगा आपको पढ़ करके सुनाऊंगा कि मैंने ये क्या लिखा है तो आपके जीवन में इस तरीके से चेंज आएगा ना कि आप ऑलवेज़ मोटिवेटेड रहोगे कुछ नया करने का एक जुनून आपके अंदर आएगा और आप कर ले जाओगे इसका चैप्टर है हिम्मत और ज़िंदगी इस चैप्टर को मैंने जब पढ़ा था और मुझे इतना पसंद आया था कि मैंने इसे लिख लिया अपने कॉपी में और जब भी मैं ऐसा डी होता हूँ और ऐसा लगता है कि नहीं ये काम मैं कैसे करूँगा कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा तो मैं ये पढ़ लेता हूँ अपनी डायरी खुद पढ़ता हूँ और ख़ुद मोटिवेट होता हूँ तो मुझे अपने आप पर भी गर्व होता है कि मैंने कुछ ऐसी चीज़ें अपने जीवन से अपने लाइफ से लिखा है अपने किताब डायरी में जो मुझे खुद मोटिवेट करती है और ये मैं जो लोग मुझसे मिलते हैं मेरे घर में उन लोगों को भी मैं पढ़ के सुनाता हूँ और दिखाता भी हूँ तो उन्हें भी एक मोटिवेशन जगता है तो आपको भी कभी इस डायरी में ये जो चैप्टर है साहस और ज़िंदगी इस चैप्टर का नाम था उसे मैं आपको पढ़ के बताऊँगा अगर मैं इसकी पहली लाइन लास्ट में आपको बता दूंगा कि इसका पहला पैराग्राफ क्या लिखा हुआ है लेकिन जो मैं अभी बात कर रहा था कि वो लोग जिनके टाइमिंग चार तीस आ रहा है पाँच मिनट आ रहा है या फिर चार चालीस चार पचास आ रहा है उनके लिए जो मैंने बात बताई अ डिज़ायर इज़ नथिंग अ डिसीज़न इज़ समथिंग बट अ डिटर्मिनेसन इज़ एवरी थिंग इसका सीधा सा मतलब यही होता है कि अगर आप सिर्फ आपके मन में एक इच्छा है कि मैं पीटी की दौड़ निकालूंगा मेरा रेलवे में नौकरी हो जाए मेरे ग्रुप डी में नौकरी हो जाए अगर ये सिर्फ इच्छा है तो देखिए इससे कुछ नहीं होगा अगर आप सिर्फ चाहते हैं कि मेरी पी क्वालिफाई हो जाए कैसे भी करके हो जाए तो इससे नहीं होगा लेकिन अगर आप सेकेंड स्टेप पे चलते हैं जहाँ पर ये आप डिसीज़न करते हैं कि नहीं मुझे पीटी निकालना है मैं पीटी को निकाल के ही रहूँगा तो ये एक आपका क्या है डिसीजन है आपने डिसाइड किया तो इससे थोड़े बदलाव आएंगे आप ग्राउंड में जाएंगे आप प्रैक्टिस करेंगे आप रनिंग करेंगे और अभी आपका टाइम मान लीजिए नहीं आ रहा है तो ये आपका डिसीज़न ही है आपने डिसीजन लिया था कभी कुछ दिन पहले जब आपका रिजल्ट आया था और आपने ये डिसीजन लिया था कि मुझे रनिंग करना है तो इससे थोड़े बहुत बदलाव आए हैं और थोड़ी बहुत टाइमिंग भी आपकी कम हुई है पहले से लेकिन जो तीसरा पैदान है आपको उसे भी क्रॉस करना होगा और वो तीसरा पैदान ये है डिटर्मिनेशन डिटर्मिनेशन क्या होता है दृढ़ निश्चय आपको ये एकदम से डिटरमाइन कर लेना है आपके माइंड में ये खो जाना चाहिए कि नहीं मुझे निकालना ही है एनी हाउ मुझे करना ही है जब आप डिटरमाइंड हो जाओगे किसी काम के लिए तो फिर कोई भी बाधा आपको रोक नहीं पाएगी आप सारी मुश्किलों से लड़ते हुए उसे ज़रूर पूरा कर लोगे आपके रास्ते में आने वाली तकलीफें उसके सामने जीरो हो जाएंगी ऐसे कई सारे उदाहरण हैं जो हमें सीखना चाहिए उन महापुरुषों से जो हमारे पहले आए और कई सारे ऐसे कारनामे करके दिखा दिए जैसे आपने भी सुना होगा लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में जो हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनके बारे में आपने सुना होगा कि जब वो स्कूल जाते थे तो रास्ते में नदी पड़ती थी और उस नदी को वो तैर कर पार करते थे और फिर जाते थे स्कूल पढ़ने तो अगर कोई ये सोचता उनके जगह पे दूसरा कोई होता तो ये सोचता रास्ते में नदी है इतना सारा पानी है कैसे जाए स्कूल और फिर वो कभी भी स्कूल नहीं जा पाता और ना शिक्षित हो पाता तो उनका ये डिटर्मिनेसन ही था कि मुझे पढ़ना है चाहे रास्ते में नदी आए पहाड़ आए तालाब आए कोई फर्क नहीं पड़ता है उनको जाना था और इसलिए वो गए और इसीलिए आज भी उनको लोग याद करते हैं इसीलिए वो भारत देश के प्रधानमंत्री बने थे तो कहीं ना कहीं आपको भी अपने जीवन में अगर मुकाम हासिल करना है आप चाहते हो कि आप जो जिस जो आपके मन में इच्छा है उसको आप हासिल करना चाहते हो तो उसके लिए आपको डिटरमाइंड होना पड़ेगा और इसी डिटरमिनेशन के साथ में आपकी तैयारी होनी चाहिए अब बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं और आज भी अगर आप डिटरमाइंड करते हो और अगर आप ये दृढ़ निश्चय करते हो कि नहीं मुझे चार मिनट पंद्रह सेकंड के अंदर आना है आना है आना है उसके लिए मुझे चाहे जितना प्रैक्टिस करना पड़े चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े चाहे जितना पसीना बहाना पड़े चाहे सुबह चार बजे जगना पड़े लेकिन मैं करूँगा मुझे करना है उसके लिए आपके बॉडी में जो पेन हो रहा है बहुत सारे लोग दर्द को लेकर शिकायतें कर रहे हैं डेफिनेटली दर्द होगा अगर आपको मंजिल हासिल करनी है आपको सीढ़ियों के ऊपर चढ़ना है आपको ऊंचाइयों पर जाना है तो दर्द होगा और उस दर्द से जो लड़ेगा वही आगे बढ़ेगा जो दर्द को झेल नहीं पाया जो दर्द से डर दर करके बस रह गया वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा तो दर्द तो होगा दर्द सबको होता है तकलीफ़ें सबके सामने आती हैं आपके सामने भी है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है लेकिन देखना ये होगा कि कौन उन तकलीफ़ों से लड़ पाता है कौन उन तकलीफ़ों का सामना कर पाता है अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आप भी लड़िए उन तकलीफ़ों से और आगे बढ़िए और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर एक मोटिवेशन देगी आपको आगे बढ़ने में और आपको अगर ये वीडियो देख करके मोटिवेशन आया है और आपको लगा है कि नहीं अब कल से आपकी तैयारी दुगनी होने वाली है आप कल से एक अच्छा प्रिपरेशन करने वाले हो अब कल से आप जल्दी ग्राउंड जाएंगे और ख़ूब सारा मेहनत करेंगे खूब सारा पसीना बहाएंगे और आपकी टाइमिंग जो भी दिन बचे हुए हैं आपके पीटी आने वाले में उन टाइम के अकॉर्डिंग आप अपने टाइम को रिड्यूस करोगे और उन सभी लोग जो साढ़े चार मिनट या उससे अधिक का समय आ रहा है वो जरूर चार पंद्रह तक रिड्यूस करेंगे अगर आपको इस तरीके से मोटिवेशन मिली है तो ज़रूर आप इस वीडियो को लाइक करिए ताकि मुझे भी पता चले कि डेफिनेटली कुछ काम मैंने अपने लाइफ और अपने एक्सपीरियंस से मैंने आपको दिया है जिसकी वजह से आप आने वाले पीटी में क्वालिफ़ाई होंगे फिर मुझे भी अच्छा लगेगा कि नहीं मैंने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव आया तो डेफिनेटली मुझे भी मोटिवेट करने के लिए आप लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए जितना ज़्यादा ज़्यादा हो सके लोगों के साथ शेयर करिए तो चलिए मिलेंगे फिर किसी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं आप आपको अपने डायरी से जो मैंने साहस और ज़िंदगी जो चैप्टर लिखी है उसका एक पैराग्राफ मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि मैंने उसमें क्या लिखा है तो आपको सुन कर के जरूर अच्छा लगेगा देखिए मैंने इसमें लिखा है ज़िंदगी की असली मज़े उनके लिए नहीं हैं जो फूलों की छाँ के नीचे खेलते और सोते हैं बल्कि फूलों के छाँ के नीचे अगर जीवन का स्वाद है तो वह भी उन्हीं के लिए है जो रेगिस्तान से आ रहे हैं जिनका कंठ सूखा हुआ है अगर आपको बिना मेहनत के अगर कोई मुकाम भी मिल गए ना तो आपको सब मज़ा नहीं आएगा आपको मुकाम हासिल करने में जो आपने स्ट्रगल किया जो पसीना बहाया है जो दर्द सहा है उसके बाद अगर आपको मुकाम हासिल होती है अगर आपको उसको बाद मंजिल मिलती है तो उसका मज़ा ही एक अलग होता है तो मेहनत करने से घबराइए मत मेहनत करिए जितना ज़्यादा ज़्यादा हो सके करिए अपने आप को एकदम झोंक दीजिए उस चीज़ के लिए जिसे आप हासिल करना चाहते हैं इसके बाद इसमें लिखा हुआ है जिनका कंठ सूखा हुआ है होठ फटे हुए हैं सारा बदन पसीने से तर है उन्हें ही मज़ा आएगा उस सुख का जो उन्हें मिलने वाला है इसके बाद पानी में जो अमृत वाला तत्व है ना, वह जानता है जो धूप में सूख चुका है वह नहीं जो रेगिस्तान में कोई पड़ा नहीं यानी कि पानी की असली कीमत उसे ही पता है जो प्यासा है जिसका कंठ सूखा हुआ है जिसे कई दिनों से पानी मिला नहीं है अगर उसे पानी दिया जाए तो वो भी उसके लिए अमृत के समान होगा तो कहीं ना कहीं ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट हैं ग्रुप डी के जिन्होंने अपना सारा जीवन मतलब सारा जीवन क्या आधा जीवन जिनकी उम्र तीस साल तक हो चुकी है आधा जीवन बीती चुका है इस प्रिपरेशन में गवर्नमेंट जॉब की तैयारियों में अगर उन्हें ये नौकरी मिलेगी तो सोचो उनके मन में खुशी की क्या अनुभूति होगी तो ये खुशी की अनुभूति और भी ज्यादा होगी जब आप इसके लिए पूरे डिटर्मिनेशन के साथ मेहनत करोगे पूरे लगन के साथ तैयारी करोगे और उसमें आपको सफलता मिलेगी भगवान से मैं यही प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं आपकी तैयारियां आपका जुनून आपका जोश दुगना रहे और आप फाइनली सेलेक्ट हो जाओ आप जो मुकाम हासिल करना चाहते हैं वो आपको प्राप्त हो सके चलिए वीडियो को इतना ही रखेंगे काफी लंबा हो जाएगा तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे जय हिंद जय जाह भारत